Hey guys, this side Bhumika and welcome back to my channel BM and CM. So, जैसे आपने मेरे नवरात्रि ब्लॉग में देखा होगा कि मैं दशहरे पर हमें एक पूजा करते हैं तो दशहरा सेलिब्रेशन होती है वो एक टाइप का रक्षाबंधन टाइप ही होता है. हमने भाइयों के कान के ऊपर जो हम जो गाते हैं नवरात्रि में वो ग्रीन ग्रीन से वो टांगते हैं तो वही पूजा आज होने वाली है. सो देखते हैं हम क्या क्या करते हैं. और आज मैंने एक नया आउटफिट पहना है तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या पहना है. और अब तो फेस्टिवल्स है सो इट्स एंजॉयमेंट अलॉट. और बस अब इसके बाद तो मतलब होली फिर करवा चौथ मतलब लॉट ऑफ फेस्टिवल्स हैं तो बस आज तो दशहरा की सेलिब्रेशन होने वाली है. सो लेट्स सी हम किस तरह दशहरा की सेलिब्रेशन. गाइस दिस इज हाउ माय आउटफिट इज टुडे. आई पेयर दिस लाइक टॉप लाइक ट्रेडिशनल टॉप काइंड ऑफ समथिंग एंड लोअर आई वियर माय जीन्स ओनली. सो एंड इन हेयर स्टाइल आई हैव नॉट कप्ट एनी हेयर स्टाइल. आई हैव जस्ट ओपन माय हेयर नथिंग गुड मतलब नथिंग वेरी ग्रेट हेयर स्टाइल. सो दिस इज हाउ माय आउटफिट इज. सो अभी हम जैसे जब हम दशहरा की सेलिब्रेशन करते हैं तो उसमें एक होती है कि हम ना 10 गोबर के उपले टाइप्स बनाते हैं तो फिर वो डालते हैं. तो डैट्स 8:30 बजे के आसपास बढ़ रहा है तो बस इधर गोबर के उपले बनाए जा रहे हैं फिर हम पूजा करेंगे. वो गाय थे वो रखे हैं तो बस इधर ये गोबर है इसके उपले बनाए गए. तो देखो इस टाइप के छोटे छोटे 10 उपले बनाएगी गोबर से. गद्दे हाथ हो जाते हैं पूरे गोबर के उपले पूरे बन चुके हैं. और मेरे मम्मी और मेरे भाई अभी बस तैयार हो रहे हैं फिर हम एक पूजा करते हैं और फिर उसके बाद वो जो टांगते हैं. तो देखते हैं हम किस तरह इसी तरह से सब कुछ चल रहा है. और अभी तो हमारी फेस्टिवल्स की शॉपिंग रह रही है मतलब काफी शॉपिंग करनी है दिवाली के लिए अभी वो रह रही है करनी है बाकी. बस इसी तरह से हम अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं दशहरा. और अब हम जो मतलब वो हटा रहे हैं मिट्टी में से जो हमने उगाए थे नवरात्रि में. तो उससे पहले हमें सत्या बनाते हैं शुरू करने से पहले तो अभी वो ही बना रहे हैं. और फिर इस दिन ना दाल चावल बनते हैं तो फिर वो ही बनाए हमने तो इसी का हम भोग लगाते हैं. कर रहे हैं ब्रेकफास्ट जैसे हम कहते हैं हम दशहरे वाले दिन इस पूजा में दाल चावल बनते हैं तो वही हमें सब ब्रेकफास्ट में करते हैं. इस वक्त बज रहे हैं 12 तो हमने पूजा कर लिया है ब्रेकफास्ट भी कर लिया बस अब घर की थोड़ी बहुत साफ सफाई चल रही है. मैंने अभी थोड़ी सी डस्टिंग की थी देगी और बस अब हो सकता है हमारे कुछ कजन्स हमारे घर पे जो आपने मेरे पहले के व्लॉग्स में देखे भी होंगे वही कजन्स आने वाले. फेस्टिवल्स आते ना एक अंदर की जील होती है कि भाई हाँ भाई हमें कुछ करना है घर को डेकोरेट करना है साफ सफाई करनी है खुद के लिए भी कुछ करना है. सो या इट्स वेरी एंटरटेनिंग ऑल ऑफ देम. तो देखते हैं अब आगे हम क्या करते हैं. सो अभी मैं अपना कुछ रिटर्न वर्क करने जा रही हूँ क्योंकि जैसे नया सेशन शुरू हो गया हाफ ईयरली एग्जाम्स हो चुके हैं फर्स्ट टर्म के तो उसके बाद क्या होता है हमें ज्यादा रिटर्न वर्क ही मिलता है क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना होता है लर्निंग वर्क तो बाद में मिलता है. सो बस वही करने वाली हूँ. 4 दिन की छुट्टी थी तो काफी रिटर्न वर्क मिल गया सो वही कम्प्लीट करना है मुझे. सो अभी तो मैं स्टडी कर रही हूँ उसके बाद देखती हूँ हम क्या क्या सेलिब्रेशन करते हैं.
बज रहे हैं 2 और मेरे घर पे मेरे कजिन्स आ चुके हैं। या सारे तो इधर चल रहा है, हम गए थे कुछ मिठाई लाए, तो उधर से हम इस टाइप के जो ब्रेड मिलते हैं हर एक दुकान पे वो ले आए थे। तो इस वक्त बज रहे हैं 3, तो यही चल रहा है। दोपहर के 3 बज रहे हैं और हम जो सुबह जो दाल चावल और रोटी खाई थी वही हम दोपहर को भी खा रहे हैं। इधर चल रहा है लंच। इधर देखो कितनी ज्यादा चोट लग गई, स्कूटी पे जा रहे थे थूक गया पैर, तो लग गई इधर चोट। तो बस अब हम इधर पूजा शुरू हो गई है। माई व्लॉग फॉर दशहरा। तो बस जैसे आप ये पूजा हर कोई करता ही होगा अपने घर में, तो वही हमने दशहरे पे पूजा की है और हमारे घर में दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई है। और मैं ट्राई करूंगी कि आपके लिए दिवाली हॉल लेके आऊं, मैं श्योर नहीं हूँ कि लेके आ पाऊंगी या नहीं, वहां पर ट्राई जरूर करूंगी। सो यार दिस वाज फॉर माई दशहरा ब्लॉग। अगर हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू, एंड इफ यू लाइक माई ब्लॉग सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।